अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव इन दिनों काफी चर्चा में है। इस चुनाव में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। इस बीच दोनों के समर्थकों में जमकर जुबानी जंग चल रही है। पिछले दिनों टेलर स्विफ्ट ने कमला हैरिस के प्रति समर्थन दिया और खुद को चाइल्डलेस कैट लेडी बताया था। इस पर ट्रंप का समर्थन कर रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिससे सब हैरान रह गए। मस्क की इस टिप्पणी पर उनकी बेटी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मस्क को महिला विरोधी करार दिया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला, क्या है चाइल्डलेस कैट लेडी का मुद्दा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऐसे लोगों को वोट ना दें जिनके बच्चे ना हो, इन लोगों का भविष्य में कोई योगदान नहीं होगा। बता दें कि टेलर स्विफ्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद को चाइल्डलेस कैट लेडी यानी बिना बच्चों वाली महिला बताया है। तभी पूर्व राष्ट्रपति का समर्थन करते हुए उन्होंने पॉप गायिका से कहा था, ठीक है टेलर तुम जीती, मैं तुम्हें बच्चा भी दूंगा और जिंदगी भर तुम्हारी बिल्लियों की रक्षा भी करूंगा। विवियन जेना विल्सन ने क्या कहा। विल्सन ने थ्रेड पर पोस्ट करते हुए कहा, हाँ मैंने ट्वीट देखा कि वाकई महिला विरोधी बकवास है, मुझे इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यह बहुत घिनौना है, ये बहुत स्पष्ट है और यदि आप नहीं देखते हैं कि कैसे तो आप समस्या का हिस्सा हैं। मैं अपने दर्शकों को बस इतना कहना चाहूंगी कि लोगों को आपसे इस तरह की बात ना करने दें, ये घृणित है, ये अपमानजनक है और बेहद लैंगिकवादी है, आप इससे बेहतर के हकदार हैं। उन्होंने और कहा कि मैं सच में इस विषय की सबसे बड़ी प्रशंसक नहीं हूँ, आखिरकार मैं अपने नाम के साथ एक स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, भले ही ये खुद में साफ स्पष्ट है पर मुझे लगता है कि इस पर बोलना जरूरी था। चीयर्स। ये थी मस्क और टेलर स्विफ्ट से जुड़ी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमारी खबर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।